नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ज़ैफ, लीगल ईगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सिंपल सी बात को कॉम्प्लिकेटेड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल आने लगा है इन दिनों, पता नहीं क्या हुआ, इस महीने बहुत ज़्यादा कॉल्स आए हैं, मतलब लगभग 40% कॉल्स इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, बल्कि मैं 45% तक मान लीजिए इसको खींचता हूँ। सब ये कह रहे हैं, लड़कियाँ भी डिमांड कर रही हैं, सर शादी तो हमारी बर्बाद हो गई, केस चल रहा है लंबा। लड़के भी ये कह रहे हैं केस चल रहा है लंबा, 3 साल 2 साल 5 साल पता नहीं कब तक चलेगा, मेरा किसी से अट्रैक्शन हो गया या फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी के साथ जुड़ जाऊँ। स्पेशली बॉयज़ के साथ ही थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि उनके पास से सबसे ख़तरनाक चीज़ जो की जाती है वो 70-80% मैरिजेस में ये होता है कि 1 से 2 साल शादी चलती है, बच्चा हो जाता है और उसके बाद एकदम से परिवार बिछड़ता है। तो बच्चे से जो हार्डली कनेक्ट होते हैं फादर्स, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि साइकोलॉजी ये कहती है कि फादर्स जो हैं वो रियल में, फिल्मी बातें नहीं होंगी यहाँ पे, माँ से ज़्यादा इमोशनल होता है फादर, रिएक्ट नहीं करता है इसलिए ज़्यादा इमोशनल होता है अपनी संतान को लेके। माँ एक बार कमाकर बच्चे को खिलाए नहीं खिलाए, फादर धूप में, बारिश में, बुखार में, गर्मी में, सर्दी में उठ के जाएगा। तो यही वो इमोशन का एक्सट्रीम होता है, मतलब वो पहाड़ होता है इमोशंस का। तो ये जो सारी चीज़ें, इसको समझने के हिसाब से ही ये चीज़ समझिए कि आखिर फिर उसको क्या होता है कि जब उसका परिवार बिखरता है तो वो मेंटल ट्रॉमा से गुजरता है, ऊपर से झूठी पत्नी ने केस कर दिए, दुनिया भर के षड्यंत्र प्रपंच कर दिए, ऐसे टाइम पर उसे एक इमोशनल अटैचमेंट चाहिए होता है। क्या घर वाले नहीं हैं? क्या भाई बहन नहीं है? नहीं है सर, कुछ चीज़ें इतनी पर्सनल होती हैं जो इन रिश्तों में, इन नज़ाकत भरे रिश्तों के अंदर डिस्कस नहीं की जा सकती। अपनी फिजिकल डिज़ायर्स के बारे में बात नहीं की जा सकती, अपने शौक के बारे में बात नहीं की जा सकती, एंजॉय करने के लिए बात नहीं है। सबसे बड़ी बात, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हमेशा आपको घर के बाहर ही आता है, आप अपने घर वालों के साथ उतना फ्रेंडली नहीं हो सकते। तो आज का विषय यही रहेगा कि हम क्या करें कि हम शादीशुदा हैं मगर उसके बावजूद हमें अपनी फिजिकल डिज़ायर्स और इमोशनल डिज़ायर्स के लिए कोई साथी पार्टनर चाहिए। तो इसके लिए करना क्या है, एजुकेटेड रहिए। हम कोर्सेज चलाते हैं और इन कोर्सेज के थ्रू आपको कई रेमेडीज़ मिलती हैं और इससे आप जल्दी जल्दी अपने केसेस से बाहर आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये रेमेडीज़ मिली है, अपने केसेस से फ्री होकर बैठे हैं और काफ़ी लोग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको भी बहुत रिलीफ मिला है। आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा हो सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इसके ऊपर मैसेज कीजिए, आपको कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी। इसी तरह अगर आपको कोई मुझसे डिस्कशन करना है अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, जिसमें कंसल्टेंसी लेनी है, तो भी आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैसेज कीजिए, मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, फिर बात होगी। अब आते हैं सीधे सीधे इस चर्चा पे। देखिए साहब, मेरी शादी बर्बाद हो चुकी है, मेरी बीवी तांडव कर रही है कोर्ट के अंदर, मैं इमोशनली और फिजिकली डिस्ट्रेस्ड हूँ, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ हूँ, मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि जीवन में कलर है, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये सवाल अक्सर मेरे पास आने लगे हैं कि मैं अपना एक नया पार्टनर ढूंढ लूँ और उसके साथ जीवन यापन करने लगूँ। जब केस ख़त्म होगा तब हो सकता है हम शादी भी कर लें, पर तब तक हम रह सकते हैं पति पत्नी की तरह। बाइगमी और अडल्ट्री, इन दोनों में पहले डिफरेंस समझ लीजिए। बाइगेमी का मतलब है किसी से शादी कर लेना पूरे तरीके से, यानी आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो गई या फिर उसके अंदर आपने 7 फेरे खा के किसी से शादी कर ली। अब जनरली लोग कहने को तो यही कहते हैं कि कर लेंगे शादी सर, क्या दिक्कत है, क्या पता चलेगा। जनरली 2 स्टेट्स के अंदर तो फिर भी बहुत अच्छा चल जाता है, पर 2 शहरों के बीच में उसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। 2 स्टेट्स में क्या होता है कि पत्नी से शादी कर लेते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट किसके पास, पति के पास, शादी की फोटोग्राफ किसके पास, पति के पास, तो जो पहली पत्नी है वहाँ तक ये बात नहीं पहुँच पाती, तो इसको थोड़ा स्विफ्टली वो लोग प्ले कर लेते हैं। पर एक सेम सिटी में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल है, यहाँ तक कि एक स्टेट में भी रहने वाले लोगों का, अलग अलग सिटी में रहने वाले लोगों के लिए भी ये थोड़ा आसान होता है। सिर्फ ये होता है कि इसमें एक थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कहीं पर आपकी थोड़ी बहुत ऐसी बहुत होता ना, बहुत क्लोजनेस वाली जो फोटोग्राफ्स होती हैं वो आपकी नहीं आ जाएं, बाकी आप फ्रेंड की तरह या किसी भी तरह से आप वो फोटोग्राफ्स डालिए, कोर्ट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि सर हमको, कुछ लोग काउंसलिंग में कहते हैं कि अगर हमारी फोटोग्राफ सोशल मीडिया में लीक हो गई तो हम लोगों का क्या है कि उस चीज़ के अंदर हम लोगों का नाम खुल जाएगा। कुछ नहीं होता उससे, बस ये है कि बहुत ओवर इंटीमेसी वाला कुछ फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए, जैसे किस करते हुए या फिर ओवरली बहुत हग करते हुए, वैसा नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलता है। सेकेंड प्रिकॉशन ये है कि ये बाइगमी में जाने से बेटर है, कुछ लोग
इस तरह से ना जाके लिव इन रिलेशनशिप में रह लें तो ज़्यादा बढ़िया है। अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? लिव इन रिलेशनशिप में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उसके अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाइगमी में दिक्कत यह है कि आपको अगर आपकी कहीं से भी पूरी पोल खुल गई तो आप जेल जा सकते हो, पर लिव इन रिलेशनशिप में आप जेल नहीं जा सकते। लिव इन रिलेशनशिप के लिए बकायदा आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और सर्टिफिकेट बनाने के बाद उसके अंदर आप बकायदा कर सकते हैं कि भाई सर्टिफिकेट के साथ एक एग्रीमेंट भी बनता है जिसके अंदर क्लियर आप कह सकते हैं और कोर्ट से रजिस्टर्ड भी हो जाता है, और उसमें क्लियर अपने पार्टनर से जो लिव इन रिलेशनशिप के पार्टनर है उनसे आप ये चीज़ जोड़ सकते हैं कि प्लीज़ आप कभी भी हम एक दूसरे पे केस नहीं करेंगे, कभी हमें अलग होना होगा तो शांति से अलग हो जाएंगे। इसका एक पूरा सेटेड फॉर्मेट होता है तो इसको यूज़ करते हैं। आजकल काफ़ी लोग दिल्ली बॉम्बे और अब तो आपके छोटी सिटीज़ भी जो हैं, जो राजस्थान यूपी बिहार और नीचे कर्नाटक वगैरह तक हैं, यहाँ पर भी लोग बाग अब इस तरह के रिलेशनशिप में रहने लगे हैं। करें क्या, ये केसेस तो लंबे चलते हैं। अत्याचारी स्पाउस मिल गया है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चे का मुंह देखने को नहीं मिलता, इससे जो टूटन पैदा होती है आपको पता नहीं है कि इमोशन का 4 गुना स्टेप आगे बढ़ जाता है। फादर अपनी बीवी से ज़्यादा बच्चे के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है, और वो जो कंसर्न जब टूटता है और उससे बिल्कुल अलग होने की भावना आती है तब ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। तो फिर इस तरह से आगे बढ़ा जाता है, रिलेशनशिप आगे मेंटेन किए जाते हैं, और अगर आप कोई सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो आपको कोई रिस्क नहीं है। इसके बावजूद भी मैं आपको अब थोड़ा सा लॉस के बारे में बता देता हूँ। अगर आप पत्नी हैं, शादी कर ली है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, पता लग गया, या पति हैं, शादी कर ली है, मैरिज सर्टिफिकेट या मैरिज का होने का पता लग गया, दोनों जेल जाओगे। लिव इन रिलेशनशिप है, सिर्फ एक लॉस होगा, वो ये है कि आप अपने पति या पत्नी के अलावा अगर बाहर कोई शारीरिक संबंध बना रहे हैं, जो कि बहुत मुश्किल होता है पता करना, साथ में किसी के साथ घूमते फिरते देख लेने से कोई शारीरिक संबंध स्थापित करना है या उन दोनों के बीच में कोई इंटीमेसी, फिजिकल इंटीमेसी जैसी चीज़ को स्थापित करना आसान बात नहीं है। फिलहाल इसके अंदर अगर पत्नी को लॉस ये हो जाता है, अगर वो पकड़ी जाती हैं, तो उसके अंदर लॉस ये हो जाता है कि पत्नी को कोई एलिमनी और मेंटेनेंस नहीं मिलता है, पति को ये पता चल जाता है तो, और साथ में पति को आसानी से डाइवोर्स मिल जाता है। सेम पति के बारे में अगर पत्नी को पता लग जाता है तो एलिमनी और मेंटेनेंस की वो हकदार हो जाती है, परंतु वहाँ पर वो डाइवोर्स की भी हकदार है, पर वो अपने पति को किसी और चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकती। काफ़ी लोग इमोशनल होकर कहते हैं बेवफा है, अत्याचारी है, तो इस चीज़ के लिए अब आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता कि आप कहें मैं रिवेंज ले लूं, मैं उससे बदला ले लूं, मैं उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दूं, ये सब फालतू बातें, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। सीधी सी बात है, जो आपको छोड़ के जा चुका है, जा चुकी है, जाने दीजिए। सबसे आसान तरीका है, अपने आप को सेटल कीजिए, अपना दिमाग शांत कीजिए। अगर आपको अपने पति या पत्नी के बारे में कोई नेगेटिव बात इस तरह की पता चल जाती है तो उनसे जाकर म्यूचुअली बात कर लीजिए। अभी हमारे पास भी एक महानुभव आए थे, मैंने उनको सारी बात बताई, उन्होंने जाके अपनी पत्नी को बोल दिया, देखो भाई मेरे पास तुम्हारे सारे सबूत मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, इस लड़के के साथ तुम फिजिकली भी इंटीमेटेड हो रही हो और बाकी और सब चीज़ें में मुझे पता चल गई है। अब तुम ये देख लो कि तुम्हें कोर्ट में अगर ये होशियारी दिखानी है कि केस मैं डालूंगा डाइवोर्स का, एलिमनी मेंटेनेंस के बगैर निकलूंगा, तुम ये सोचो कि आओ मैं अब तुम्हें मजा चखाती हूँ, 490 डिग्री डालूंगा, अपनी ज़िंदगी तुम्हें ख़राब करनी, कर लो। और अगर ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी है तो बेटर है म्यूचुअली डाइवोर्स दो, मैं एलिमनी मेंटेनेंस तब भी नहीं दूंगा, मैं तब भी एलिजिबल हूं और आज भी एलिजिबल हूं। अब ये तुम्हें देखना है, 6 महीने में मैं मेरा डाइवोर्स फाइनल करवा लूंगा। पत्नी को पहले ये बात नहीं समझ में आई, थोड़ा बहुत उसने मूड बनाया, बाद में उसने वापस अपने पति से बात की और वो सरेंडर हो गई और उन्होंने इस बात पे क्लियर कर दिया अपना मन कि ठीक है मैं छोड़ती हूं सब कुछ और मैं म्यूचुअली डाइवोर्स दे रही हूं, चले गए। तो पहली कोशिश यही कीजिए कि गंभीरता से ही अगर ये मैटर ख़त्म हो जाए तो बेटर है, मैच्योरिटी के लेवल पे ही इसको डील कीजिए। क्योंकि देखिए फिजिकल डिज़ायर्स किसी की मोहताज नहीं है, एक औरत में भी होती हैं और एक आदमी में भी होती हैं। अगर वो कहीं भी किसी से सम्मोहित हो जाते हैं, आपके बगैर चल रहे हैं, आपसे नफरत भी कर रहे हैं, आपसे चिड़े हुए हैं, एक ने केस डाल दिया इसलिए गुस्सा है, एक उनके खिलाफ अपने छोटे से ईगो को बड़ा करके लड़ रही है उसमें भी गुस्सा है, तो अब आपके बीच में वो फिजिकल कनेक्शन, वो इमोशनल अटैचमेंट की शायद संभावनाएं नहीं हो, वो अलग बात है। कुछ लोगों ने बाद में 2-2 साल 5-5 साल के इस लड़के अपनी बीवियों को लाए हैं, पर फिलहाल मैं यही कहूँगा अलग हो जाइए। अगर अलग हो शांति से और मेच्योरिटी से तो बेटर है, बाकी रिस्क कुछ नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप में रहिए। मैं थोड़ा सा बाइगमी के लिए नहीं हूँ तैयार, कि मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कभी भी कि बाइगमी कीजिए। हालांकि मैं ये बता दूं कि ज़्यादातर लोग 50% लोग इन केसेस में 3 से 6 साल के अंदर दूसरी शादी कर लेते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, और चोरी छिपे इस पूरे संबंधों का मज़ा ले रहे होते हैं। पर मैं यही कहूँगा कि कल को अगर ये चीज़ खुल के आ गई
क्योंकि देखिए शादी कर लेने से कोई बंधन नहीं बन जाता है, शादी करके भी तो आपकी बीवी आपको तलाक देने के लिए अलग बैठी है, तो लिव इन रिलेशनशिप में भी वो विश्वास और वो बाउंडेशन बन सकता है और दोनों इस अंडरस्टैंडिंग पे चल सकते हैं कि देखिए मेरी लाइफ रिस्क पे ना आ जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। आपको कह ही दिया मैंने कि लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनता है, उसके अंदर कम से कम लॉस में निकलेंगे, जेलबाजी नहीं होगी, तो ये फ़ायदा है। इसके अलावा एक नुकसान और होता है कि कभी दूसरी बीवी से झगड़ा हो गया बाईगामी के वक्त तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात हो जाए, या फिर पति से झगड़ा हो गया बाईगामी के वक्त तो वो आपका बेजा फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि दूसरी शादी अगर आपने कर रखी है जिससे भी और बिना तलाक लिए तो वो आपको बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि वो ये कह सकते हैं साहब हमें इनकी पहली शादी का पता ही नहीं था और इन्होंने बिना तलाक करे शादी कर ली, तो वो पति या पत्नी जो भी आपके साथ हैं वो आपको जेल की हवा खिला सकते हैं। तो इसलिए हम यही चाहेंगे कि जेल से बचने से बेटर है लिव इन रिलेशनशिप का एक बॉन्ड रखें। उसके अंदर कभी ऐसा नहीं होता है कि जब इस लेवल पे एज पे मैच्योरिटी आ चुकी होती है अगर कोई आपको इस लेवल पे सपोर्ट कर रहा है तो वो आपके साथ सच्चा ही रहना चाहिए, उम्मीदन। दोस्तों अगर आज का वीडियो कुछ आपको नॉलेज दे रहा है, समझ में आ रही है बात, तो प्लीज़ इसका कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया कि कुछ लोगों की भयंकर डिमांड थी, रोज़ रोज़ मुझसे इस तरह के सवाल पूछे जाते थे, टेक्निकल नहीं थे, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना के छोड़ दूँ जिससे कि कभी को इसी को इस तरह की ज़रूरत पड़े तो बजाय मुझसे इस चीज़ पर काउंसलिंग लेने के बेटर है कि अपने किसी कानूनी टेक्निकल पहलू पर ले काउंसलिंग, और ये जो मैटर है ये तो इस वीडियो से भी देखकर काम चलाया जा सकता है। थैंक यू।